वो कांग्रेस जितने अपने 10 सालों में सिर्फ घोटाले किए, भारत को पूरी दुनिया में बदनाम किया, उसको आपने 2014 में अपने वोट से बाहर किया। आज भारत के हर नौजवान को पता है कि देश की सरकार उसके साथ खड़ी है, इसलिए वो हर फील्ड में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देश का नौजवान आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? भारत के नौजवानों ने 10 वर्षों में लगभग 1 लाख नए स्टार्टअप बनाए हैं। मेड इन इंडिया का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। डिजिटल इंडिया अभियान से जो सिस्टम भारत में बना है, वैसा सिस्टम दुनिया में कहीं भी नहीं है। भारत ने चंद्रयान का कमाल करके दुनिया को चकित कर दिया है। भारत ने जितना भव्य G20 का आयोजन किया, वैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। भारत ने कोरोना का टीका बनाकर दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई। हमारे वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए नैनो यूरिया बनाया है। एक बोरी यूरिया का काम सिर्फ एक बोतल नैनो यूरिया करेगी। कोई भी क्षेत्र लीजिए, भारत कमाल कर रहा है। चारों तरफ उत्साह है, आत्मविश्वास है कि साल 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाकर रहेंगे। यही विश्वास मैं यहां राजस्थान के कोने कोने में भी देख रहा हूं। पूरा राजस्थान भारत के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट डालने जा रहा है। इसलिए आपको याद रखना है, इतिहास के इतने अहम मोड़ पर कांग्रेस सरकार से जितना बच के रहे राजस्थान को, उससे उसको जितना दूर रखे, उतना ही आपका भविष्य सुनिश्चित है। कांग्रेस और विकास एक दूसरे के दुश्मन थे और दुश्मन रहेंगे। मेरे परिजनों, कांग्रेस के होने का मतलब क्या है, ये राजस्थान से बेहतर कौन जानता है? व्यापारी दुकानदार को चाहिए कि रोज दुकान खुले, लोग शांति से आए जाए, खरीदी करें। मजदूर को चाहिए कि उसे हर दिन काम मिलता रहे। किसान को चाहिए उसे खाद पानी मिलता रहे। घर परिवार को चाहिए कि उसके बेटा बेटी कहीं गए तो सुरक्षित लौट के आ जाए। बहन बेटियां पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ जब चाहे बाहर निकाल सके। लेकिन अफसोस, इन सब में कांग्रेस की सरकार बुरी तरह से फेल रही है। गुंडागर्दी, दंगे और महिलाओं दलितों पर अत्याचार में राजस्थान को कांग्रेस ने देश में अग्रणी बना दिया। ऊपर से कांग्रेस की मानसिकता देखिए, एक मंत्री जो बहनों बेटियों पर हुए अत्याचार को ये कहकर सरेआम जायज ठहराता है कि ये मर्दों का प्रदेश है। मुझे बताइए, ये राजस्थान के मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये राजस्थान की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर माताओं का अपमान है कि नहीं है? क्या दुनिया में कोई भी ऐसे पाप अत्याचार करने वालों को मर्द कहेगा क्या? ये कांग्रेस के मंत्री बेशर्मी के साथ कहे कि महिलाओं पर बलात्कार इसलिए हो रहा है कि तो मर्दों का प्रदेश है। अरे मर्द कभी ये पाप नहीं करते, वो तो बेटियों के चरित्र की रक्षा के लिए अपना सर कटवा देते हैं, मर्द जीवन खपा देते हैं। आप मुझे बताइए, ये मर्दों का अपमान करने वाली कांग्रेस सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
वीर माताओं को अपमानित करने वाली कांग्रेस जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, हर गली मोहल्ले से साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कायदे से तो उसको उसी दिन मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन उसका मंत्री पद भी सुरक्षित रहा और बड़ी बेशर्मी के साथ उसे चुनाव का टिकट भी दे दिया गया। इसका मतलब ये दिल्ली वालों की कुछ ऐसी खबर इसके पास है कि पूरा दिल्ली भी उससे डरता है, राजस्थान कांग्रेस भी डरती है, और इसलिए वो नाचे कहे जाए से नाचो, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को भी वो नचाता रहता है, और इसलिए इतनी बड़ी गंदी बात बोलने के बावजूद भी वो टिकट लेकर के आया और आज चुनाव लड़ रहा है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के लूट के लाइसेंस की पूरी कहानी लाल डायरी में दर्ज है। और अब धीरे धीरे हल्के हल्के लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। इधर लाल डायरी का पन्ना खुलता है, गहलोत जी का फ्यूज उड़ जाता है, जादूगर की जादूगरी लाल डायरी में दिखने लगी है। मेरे प्यारे राजस्थान के भाइयों बहनों, आपने खूब मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, युवाओं ने भी खूब मेहनत की, परीक्षा दी, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने लाखों रुपयों में युवाओं का भविष्य बेच दिया। आप मुझे बताइए, राजस्थान के बेटे बेटियों का भविष्य बाजार में अगर बिकता है तो ऐसी कांग्रेस को सजा देना जरूरी है कि नहीं है? ऐसी कांग्रेस को सजा दोगे क्या? पूरी ताकत से सजा दोगे क्या? साथियों, कांग्रेस ने हमारे किसानों तक को नहीं छोड़ा, पहले कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया में खाद में कमी आई, यूरिया की कीमतें, फर्टिलाइजर की कीमतें कई गुना बढ़ गई, बेतहा बढ़ गई, लेकिन भारत के किसानों को हमने खाद की कमी नहीं आने दी। यही नहीं, यूरिया की जो बोरी, ये मैं आंकड़ा बोलता हूं, याद रखोगे आप? जरा बताइए, याद रखोगे? मैं एक आंकड़ा बताता हूं, याद रखोगे? यह आंकड़ा हर किसान को बताओगे? इतना काम करोगे आप? पूरी दुनिया में यूरिया की एक बोरी, एक बोरा जो भी आप कहते हो, वो करीब करीब 3000 रुपए में बिकता है। कितने में? जरा जोर से बोलिए, कितने में? कितने में बिकता है? वही यूरिया, उतना ही यूरिया हम हिंदुस्तान में किसानों को 300 से भी कम कीमत में दे रहे हैं। दुनिया को कितने में मिलता है? दुनिया को कितने में मिलता है? हम कितने में देते हैं? इतना सारा बोझ सरकार उठाती है ताकि मेरे किसानों पर कोई बोझ न पड़े। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने इसमें भी आपको लूट लिया। आपके फर्टिलाइजर में भी कांग्रेस ने घोटाला किया,
और किसान खाद के दाने दाने के लिए तरसते रहे। साथियों, कांग्रेस किसानों को भी लूट रही है, वहीं राजस्थान भाजपा ने पीएम किसान सम्मान निधि को डबल करने का संकल्प लिया है। यानी 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के 80 लाख किसानों के बैंक खाते में हर वर्ष 12,000 रुपया जमा होंगे। केंद्र की भाजपा सरकार ने हाल में ही गेहूं का एमएसपी 150 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया। अब राजस्थान भाजपा ने एमएसपी पर बोनस देने की भी गारंटी दी है। साथियों, नेक नियत और कांग्रेस का वही रिश्ता है जो उजाले और अंधेरे का होता है। मुझे बताइए, जो सरकार पीने के पानी का पैसा तक खा जाए उसकी नीयत कैसी होगी? 6 दशक तक कांग्रेस को देश में सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन 2014 तक भारत के गांवों में 100 में से, आप चौंक जाएंगे सुनकर के, 2014 तक 100 घर में से 13 या 14 घरों में ही नल से जल जाता था। आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, आज हर 100 घर में से 70 परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचता है। 7-0। हरियाणा जैसे अनेक राज्यों में तो 100% घरों तक पानी पहुंच गया है, लेकिन राजस्थान में भरसक प्रयास के बावजूद करीब करीब 50% आबादी ही कवर हो पाई है। इसका कारण यहां की कांग्रेस सरकार के रोड़े अटकाने के तरीके हैं। दिल्ली में मैंने यहां की बहनों को नल से जल देने के लिए जो पैसा भेजा, वो भ्रष्ट कांग्रेसियों ने अपनी तिजोरी में भर दिया। और आजकल तो आप अखबार भरे रहते हैं, चुनाव में कभी कभी लोग ज्योतिषी लोग मैदान में आ जाते हैं और भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं आपका लक जोरदार है, चुनाव जीत जाओगे, आपके स्टार बहुत अच्छे, लक बहुत अच्छा, ऐसा कहते हैं ना। कांग्रेस वाले आजकल ज्योतिषी जब कहता है ना कि तुम्हारा लक अच्छा है, तो वो कहता है अरे लक की बात छोड़ो, लॉकर तो नहीं खुलेगा ना, ये जो लॉकर खुल रहे हैं, लॉकरों से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, सोने की ईंटें निकल रही है, ईंटें, ये सोना कहां से आया है भाई? ये आलू में से निकला है क्या? ये आपके पैसों की चोरी करके उन्होंने सोना जमा किया है, ये नोटें जमा की है, ये बेईमानी की कमाई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद इन सब का हिसाब चुकता किया जाएगा। जिन्होंने राजस्थान को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। और मेरी माताओं बहनों, मैंने गारंटी दी है हर घर से घर तक नल से जल, कांग्रेस ने रोक के रखा है, मोदी की गारंटी है हर घर नल से जल होके रहेगा।
राजस्थान में अटकी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मेरे परिवारजनों, गरीब परिवार दिहाड़ीदार मजदूर के लिए राशन की चिंता करनी पड़ी, ये बहुत बड़ी चिंता होती है, ये मैं भलीभांति समझता हूं। इसलिए मैंने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी, मुफ्त राशन की योजना ये दिसंबर में पूरी होने वाली थी, लेकिन ये आपका बेटा आपकी चिंता करता है और मोदी ने संकल्प लिया है कि गरीब को मुफ्त राशन की योजना को मैं 5 साल और बढ़ा दूंगा। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के कुशासन के कारण यहां महंगाई और बेरोजगारी भी बेलगाम हो गई है। आप मुझे बताइए, चूरू में पेट्रोल का रेट क्या है? 109 रुपये के आसपास रहता है ना, 109 रुपये आसपास रहता है ना। और बगल में हरियाणा में क्या है? पड़ोस में हरियाणा है, हरियाणा में भाजपा सरकार है। आप हरियाणा जाते हैं तो वहां पेट्रोल का दाम 96-97 रुपये होता है। आप जो 10-12 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये किसकी तिजोरी में जा रहा है भाई? आपका बस किराया महंगा है, स्कूटर बाइक चलाना मुश्किल है, ये कांग्रेस की लूट के कारण हो रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार ने तो पूरे देश के लिए पेट्रोल सस्ता किया है। जिन जिन राज्यों में भाजपा सरकार है वहां वहां जनता को डबल लाभ दिया गया है, लेकिन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकारों ने ये लाभ आपको नहीं दिया, उन्होंने इस लाभ को लूट लिया। 3 दिसंबर के बाद जैसे ही राजस्थान में भाजपा सरकार आती है तो बाकी राज्यों की तरह ही राजस्थान में भी पेट्रोल के रेट की समीक्षा की जाएगी। मेरे परिवारजनों, जीवन हो या फिर व्यापार कारोबार, ये तभी बेहतर होते हैं जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इस पर निवेश होता है। अच्छी सड़कें, अच्छी रेल कनेक्टिविटी, सिंचाई की सुविधाएं, बिजली की व्यवस्था, ये सुविधा और समृद्धि दोनों लाती है। लेकिन अस्थिर और भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ये काम नहीं कर सकती। आप तो इन समस्याओं को खुद अनुभव कर रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार राजस्थान में सड़कों के लिए बहुत पैसा भेज रही है, लेकिन यहां जमीन पर उतना काम नहीं दिखता जितना दिखना चाहिए। पूरे देश में रेलवे को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है, लेकिन कांग्रेस हर बार जितना पैसा राजस्थान में रेलवे के लिए देती थी उसका 14 गुना अधिक पैसा आज भारत सरकार राजस्थान को रेलवे के लिए देती है। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार हर प्रोजेक्ट में कोई न कोई अड़ंगा लगाती है, इसलिए क्षेत्र में बेहतर सड़कों और रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए भाजपा सरकार होना बहुत जरूरी है। हमारे ये चुरू का ताल छापर तो काले हिरण का प्रसिद्ध अभ्यारण है। काले हिरण का मुकाबला करने में चीते को भी पसीना आ जाता है। गुरु जम्बेश्वर जी की प्रेरणा से हम काले हिरणों का संरक्षण भी करेंगे और तेजी से राजस्थान को भी आगे बढ़ाएंगे। मेरे परिवारजनों, आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे राष्ट्र निर्माण का विराट मिशन है। ये मिशन 2027 तक भारत को विकसित बनाने का है और इसके लिए राजस्थान में डबल इंजन सरकार जरूरी है। घर घर जाकर के काम करोगे ना, सभा तो बहुत बड़ी कर दी है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं, तो अब तो जीत गए चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करोगे ना। देखिए, मैं यहां कार्यकर्ताओं को भी लाख लाख अभिनंदन देता हूं, क्योंकि मैं संगठन का काम करता था,
ये राजनीति का खेल तो बाद में आया, और मैं जब संगठन का काम करता था और चुनावी सभा के लिए मुझे अगर सुबह 11 बजे का कोई टाइम देता था तो मैं कहता था भाई कितना ही बड़ा नेता हो मेहरबानी करके 11 बजे मत आओ, मुझे तो 1-2 बजे का टाइम दो, 11 बजे सभा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है। मैं हैरान हूं, अभी खाना पकाने का समय है, राजस्थान बनाने के लिए मेरी माताएं किचन छोड़ करके इतनी बड़ी मात्रा में यहां आई, ये छोटी बात नहीं है जी। 11 बजे इतनी बड़ी तादाद में आपका आना, मैं भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं को लाख लाख बधाई देता हूं, और साथ साथ मैं जनता जनार्दन को कोटि कोटि नमन करता हूं कि इतना सुबह अपना काम छोड़ करके आना, ये बहुत बड़ी बात है।